शिवांग द्विवेदी, और इस वक्त हमारी लोकल 18 न्यूज 18 की टीम आ पहुंची है दीनदयाल रसोई योजना, जो कि एमपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। यहां पे हफ्ते के 6 दिन आपको 5 रुपए में भरपेट थाली भोजन मिलता है। लोग आते हैं, काफी भीड़ लगती है। इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे जो संचालित कर रहे हैं, कार्यरत हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। जी, अपने परिचय शुरुआत करिएगा। हमारा नाम जाहिद खान है, दीनदयाल मैं ड्राइवर हूँ, ये गाड़ी चलाता हूँ, खाना बंटवाता हूँ। सवेरे 10 बजे चलती है 3 बजे तक, 1-5 रुपये में एक व्यक्ति खाना दे, एक थाली देंगे, फिर दोबारा उसको दे सकते हैं, जिसको नहीं पूरा पड़ा तो फिर दे देंगे। सवेरे 10 बजे से और कई जगह खड़ी होती है। किन किन स्थानों पे मुख्यतः ये गाड़ी जाके रुकती है आपकी? टिकरी डोला, टिकरी डोला, लखन चौराहा, आवास, ये सीताराम वो सिविल लाइन, सर्किट हाउस चौराहा, और पन्ना नाका, ये गल्ला मंडी, ऐसे करके बहुत जगह लिखा भी है। सुबह आती है और शाम को कब तक रहती है गाड़ी? 3 बजे, 3:30 बजे, रात 3:30 बजे। इस थाली में जैसे कि और क्या क्या लोगों को खाने के लिए मिलता है? इसमें मिलेगा दाल, सब्जी, चावल, रोटी, पानी है अपने गाड़ी में स्वयं का, दाल सब्जी वही रहेगा, बदल बदल के रोज आता है। लगभग एक अंदाज़ा हम लगाएं, एक दिन में कितने लोग आकर के लाभान्वित होते हैं इस योजना से? इसमें 800-1000 तक होते हैं प्रतिदिन रोज, ये गाड़ी भर में, और जो बैठा के खिला रहे वो अलग। इस तरह की कितनी गाड़ियां भी संचालित हो रही हैं शहर भर में? सिर्फ एक ही, यही सतना, एक घंटा कोई 1.5 घंटा ये करके 2 घंटा, जितनी भीड़ आई अभी यहाँ आधा घंटा बाद देखिए इतनी भीड़ जमा की क्या बताए। मेरा नाम मुस्कान है, मैं यहाँ पे दीनदयाल रसोई योजना में कार्य कर रही हूँ। और कोई भी पब्लिक खाना खाने आती है तो पहले उसका नेम लिखना होता है और मोबाइल नंबर, फिर इसके बाद में टोकन रहती है, टोकन टाइप की एक पर्ची रहती है, उसको पर्ची देते हैं, वो उनको देते हैं ले जाके, वो फिर खाना देते हैं अंदर से, तो फिर उनको खाना देना पड़ता है। शोरत अच्छा है तभी तो लोग खा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम ये ट्रांसपोर्ट जब से चालू हुआ है जब से यहीं आते रहे, जब से गाड़ी आई है जब से। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।